इंटरसेक्शन की
बात करते हैं तो इंटरसेक्शन में हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसमें भी वही सेम प्रोसेस है कि हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ यूनियन का, उसके साथ हमें ए इंटरसेक्शन की लाइक मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो हम पहले ग्रुप बनाएंगे ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक है। पहला हमारे पास बी है तो बी के साथ एक ग्रुप बन गया। फिर कौन सा सिंबल आ रहा है? यूनियन का। फिर हमने दूसरा ग्रुप कौन सा बनाया है? ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो आपने इसमें देखा हमारे पास दो सिंबल्स यूज कर रहे हैं हम, एक इंटरसेक्शन का और एक यूनियन का। तो उसको कैसे रीड करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन विथ ओवर यूनियन। ये बात समझ में आ गई बेटा आप लोगों को? अच्छी तरीके से समझ में आ गई? आपने इन प्रॉपर्टी को रिवाइज करना है। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों से कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, कम्युनिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन, एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आज हम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, जो क्या है? कम्युटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन। तो इसमें से हमें दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है, इंटरसेक्शन एंड यूनियन को। तो सबसे पहले मैं इंटरसेक्शन को सेपरेट कर रही हूं, तो मैंने हेडिंग डाली कम्युटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू, कम्युटेटिव लॉ विथ रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टी को हम सिंबल्स की फॉर्म में लिख लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हेडिंग डालेंगे हम वेरिफिकेशन की। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड, हमारे पास दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन भी हम लोगों ने कहा इक्वल्स टू फर्स्ट वी राइट सेट ए। सेट ए के एलिमेंट्स हमें बताए आपको क्या क्या है इधर, शाबाश, 1, 2, 3, 4, 5। इसी तरह अब कौन सा सिंबल आएगा हम यहां पर हमारे पास इंटरसेक्शन का। अब किसके एलिमेंट लिखेंगे हम? सेट बी के। सेट बी के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 1, 1, 3, 5, 7। इंटरसेक्शन में आप लोगों को पता है क्या काम करते हैं हम लोग? इन दोनों सेट्स के जो सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं हम उसको एक जगह एक सेट में एक नए सेट में लिख देते हैं। शाबाश, देखें आप इसमें कौन कौन से आपको कॉमन एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। यस, 1 इसमें भी है और 1 सेट बी में भी है। तो वी राइट फर्स्ट 1, अब इसके बाद हमारे पास सेकंड 2 सेट ए में है लेकिन सेट बी में मौजूद नहीं है, तो हम नहीं लिखेंगे। सेट 3 जो है हमारे पास जो एलिमेंट है सेट ए में मौजूद है, बी में भी, राइट 3। 4 नहीं है, 5 दोनों में मौजूद है, बी राइट 5। इसी तरह सेट बी में 7 है लेकिन सेट ए में मौजूद नहीं है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन बी का आंसर है। अब हम दूसरी साइड हमारी कौन सी है? राइट हैंड साइड। तो हम यहां लिखेंगे राइट हैंड साइड जो हमारी है बी इंटरसेक्शन ए। हम कम्युटेटिव प्रॉपर्टी में इंटरचेंज करते हैं सेट्स को, तो हमारे आंसर्स पे फर्क नहीं पड़ता। चेक कर लेते हैं हम लोग। हम इसमें क्या करेंगे? सेट बी के एलिमेंट्स को पहले लिख देंगे, 1, 3, 5, 7। नाउ सेट ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5। इसमें हम देखते हैं हमारे पास कौन सा कॉमन एलिमेंट है? 1 आ रहा है, एक काम और भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे सेट ए, जो शुरू वाला मैंने ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व किया था, इसमें हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट है हम उनको क्रॉस कर देंगे, तो हमें वही एलिमेंट यहाँ पे लिखने होंगे तीनों में।
पहले है और इधर राइट। आपको याद भी रहेगा कि हमारे पास ये हमारे एलिमेंट कॉमन थे। इसी तरह हम बी इंटरसेक्शन ए में चेक कर रहे थे तो हमारे पास वन आ रहा था, तो हमने वन को पेंसिल से क्रॉस किया और वी राइट वन हियर। अब हमारे पास कौन सा एलिमेंट कॉमन है, थ्री, हमने अब थ्री यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद आप चेक करें कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है, फाइव, यस फाइव, तो हमने फाइव। आपने देखा ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट वन थ्री फाइव, बी इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट आंसर क्या है हमारे पास, वन थ्री फाइव। तो बोथ ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इट मीन्स हमारे दोनों जगह आंसर सेम आए, तो दोनों आंसर हमारे बराबर हुए। तो हम किस तरह लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, और इसके नीचे आप लिख देंगे वेरीफाइड। स्टूडेंट्स विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन कर चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। किस तरह देखें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, सेम इसी तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने ली ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हमने ए साइड के एलिमेंट्स, फिर यूनियन का सिंबल, फिर बी साइड के एलिमेंट्स। अब यूनियन में आपको पता है हम लोग क्या काम करते हैं, दोनों सेट्स के एलिमेंट को एक जगह कंबाइन करके लिखते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास कोई सेट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब देखें सेट ए में हमारे पास वन एलिमेंट है, सेट बी में भी वन एलिमेंट है, लेकिन हम जब ए यूनियन बी का सेट बनाएंगे तो उसमें हमारे पास वन टाइम लिखेंगे। इसी तरह हम लोग टू हमारे पास इधर है, सेट बी में मौजूद नहीं है, तो टू लिखे हम लोगों ने। ये सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे, सिर्फ वो जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं वो वन टाइम लिखेंगे। वन के बाद नेक्स्ट नंबर बताया शाबाश थ्री, फिर क्या है इसके बाद, थ्री के बाद फोर, गुड। फोर के बाद नेक्स्ट एलिमेंट, यस फाइव, फाइव के बाद हमारे पास सिक्स होता है, लेकिन सिक्स इन दोनों सेट्स में मौजूद नहीं है, तो हम नेक्स्ट आए सेवन, गुड शाबाश। देखा है आपको माशाल्लाह से, ए यूनियन बी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हम दोबारा एक क्लास में से सॉल्व कर रहे हैं, आपका ए यूनियन बी आ गया सेट। इसी तरह हम दूसरी हमारे राइट हैंड साइड है बी यूनियन ए, तो बी यूनियन ए में हमने क्या किया, सेट बी के एलिमेंट्स पहले लिख दिए और फिर यूनियन और सेट ए के एलिमेंट्स। हम सेम वही प्रोसीजर करेंगे जो हम लोगों ने ए यूनियन बी में किया है। अब सेट बी में फर्स्ट एलिमेंट वन है, सेट ए में भी एलिमेंट वन है, तो हम लेकिन वन टाइम्स को एलिमेंट को राइट करेंगे। अब नेक्स्ट नंबर टू इधर नहीं है, टू इधर सेट ए में मौजूद है, तो हमने टू लिख दिया। नेक्स्ट एलिमेंट थ्री, थ्री के बाद फोर, फोर के बाद फाइव, यस फाइव के बाद सिक्स हमारे पास नहीं है, सेवन। तो आप देखें हमारे पास ए यूनियन बी जो हमने सॉल्व किया था उसका सेट क्या बना, वन टू थ्री फोर फाइव सेवन। इस तरह बी यूनियन ए के एलिमेंट्स चेक करें, बी ए के वन टू थ्री फोर फाइव सेवन बोथ आर इक्वल, तो हम किस तरह इसको राइट करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए देन वेरीफाइड। जी स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी प्रैक्टिस के लिए अब आपको क्वेश्चन नंबर टू का मैं होमवर्क दे रही हूँ, डू सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू पार्ट वन एंड टू। क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन एंड टू आपने सॉल्व करना है, जिसमें आपके पास डायरेक्ट जो है प्रॉपर्टी लिखी हुई है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन में है, हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखी हुई है, फॉर्म में फिर सॉल्व किया, लेकिन अब आपके पास क्वेश्चन नंबर टू में आप चेक करिएगा, वन टू पार्ट में हमारे पास प्रॉपर्टी लिखी हुई है डायरेक्ट, जिस तरह मैंने आपको सॉल्व करवाई है। तो आप ये लोग अपना होमवर्क कर लीजिएगा, आज का आप लोगों ये टास्क है, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हमारे यहाँ जल्द।